मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट टीम। न्यूज मार्केट टीम में आपका स्वागत है। नवरात्रि का समय है, देवी दुर्गा के आराधना का समय है, उनके पूजा का समय है और समय है यहां रामलीला मंचन का। राम के चरित्र का चित्रण करने का कई जगह गली गली गांव रामलीला का मंचन होता है, जिसमें राम के चरित्र को चरितार्थ किया जाता है और यह माना जाता है, यह आशाएं की जाती हैं कि आने वाली पीढ़ी, इस प्रकार की या युवा पीढ़ी, राम के चरित्र से सीखे, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखे और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाए। भगवान राम को पुरुषोत्तम माना गया है, पुरुषों में उत्तम, अर्थात उनका चरित्र इतना उत्तम था कि उन्हें भगवान की संज्ञा दे दी गई। उनसे सीख लेने की हमें प्रेरणा दी जाती है। सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, एक बार फिर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इससे पहले उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध, पिता की रजामंदी के बगैर सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए और उन्होंने यह कहा था कि मैं विजय के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः सरकार बनाने के बाद, इस चुनाव को जीतने के बाद मैं सत्ता को, मैं ये इस पार्टी के अध्यक्ष पद को सम्मान मुलायम सिंह यादव जी को सौंपूंगा, यानी अपने पिता को सौंपूंगा। उन्होंने कहा था, हमारा कहने का मतलब यह राजनीति से नहीं है, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान राम और अखिलेश की तुलना करें तो भगवान राम राजघराने से थे, उनको राजा बनना था। यहां यह राजनीतिक परिवार मुलायम सिंह यादव का है, वो भी किसी राजघराने से कम नहीं है, क्योंकि राज सत्ता जब आती है तो हाँ यह राजघराना हो ही जाता है तरफ से, लेकिन लोकतांत्रिक राजघराना इसको कह सकते हैं। तो राज सत्ता के लिए अखिलेश यादव ने अपने पिता को पीछे कर दिया, नेपथ्य में कर दिया। उनसे अगर यूं कहें तो उनसे उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी छीन ली। ये कितना बड़ा परिवार, युवाओं का आइकन के रूप में उभरे थे, सपा को प्रचंड बहुमत दिला करके वो मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, सपा ने उनके साथ न्याय किया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था और वो बने। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही पिता नेपथ्य में क्यों चले? क्या राम के आदर्श अखिलेश यादव को नहीं पढ़ाए गए? सपाई हमें गाली दे सकते हैं कि ये दूसरी पार्टी वाला होगा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं सीधी और साफ और सपाट बातें करना जानता हूं, टू द पॉइंट मैं बोलना जानता हूं, किसी पार्टी का लेवल हमारे ऊपर लगाने की कोशिश मत करिएगा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, जो पार्टी सही है उसको वोट करता हूं, जो पार्टी हमारे समझ में आती है उसको वोट देता हूं, उसका समर्थन करता हूं, किसी का सिंबल लेके चलने की हमें आवश्यकता नहीं है, सिंबल आप लगा के चलिए, हम एक नागरिक हैं और नागरिक का अधिकार है सही गलत का फैसला करके किसी एक को प्रतिनिधि चुनना, और वही मैं करता हूं। लेकिन इसके पहले, चूंकि यह नवरात्रि का समय है, रामलीला का मंचन होता है, एक बड़े राजनीतिक परिवार का ये युवा अपने पिता से राजसत्ता खींच लेता, छीन लेता, और जो अपने पिता का एक वचन को पूरा करने के लिए राजसत्ता को ठोकर मारता है, और साथ इतना ही नहीं, वह वन में चला जाता है। सही कौन है? समस्या यह है कि हम इस पे बात कर रहे हैं, सही कौन है? क्या राम सही है या अखिलेश सही है? दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, या तो राम सही हो सकते हैं या तो अखिलेश यादव सही हो सकते। अगर रामचंद्र, भगवान राम को आप सही मानते हैं तो
अखिलेश यादव गलत हैं। इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। युवाओं को एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके भी बच्चे हैं और वो भी उनके साथ यही करें। कई सपाही यह तर्क दे सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव बूढ़े हो चले थे और कुछ लोग उन्हें बहका रहे थे। मैं सीधी बात करता हूं, आप ये कहिए शिवपाल यादव उनको बहका रहे थे, ये तो जग जाहिर हो चुका है। तो क्या राम को यह पता नहीं था कि कैकेयी ने उनको बहकाया है? राम को भी पता था कि दशरथ को कैकेयी ने बहकाया है, उनसे वचन ली है और उस वचन को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। वो भी मना कर सकते थे कि यह आप नहीं कह रहे हैं, ये आपका आदेश नहीं है, ये तो माता कैकेयी का आदेश है, हम बन क्यों जाए, हम राजा बने, ये कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस बात को हम भली प्रकार मानते हैं कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को बहकाया था, आपके पिता को बहकाया था और आपके पिता गलत निर्णय ले रहे थे आपके अनुसार। वो आपके अनुसार निर्णय नहीं ले रहे थे, आपके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, आपको लोकहित के कार्य करने नहीं दे रहे। चलो मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं। एक तरह से यह भी कह सकते हैं सपाही कि लोकहित के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था, तो लोकहित के लिए अखिलेश यादव ने अपने पिता का ही परित्याग कर दिया हो तो क्या बड़ी बात है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपके काम में आपके पिता बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें किसी के द्वारा उनसे किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न कराया जा रहा था, तो उस समय आप लोकहित को ध्यान में रखते हुए उनको नेपथ्य में किया, सपा की पूरी कमान आपने संभाल ली। लेकिन अब तो आपकी सरकार भी नहीं है, आप वो राजा भी नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं नहीं, फिर किस बात की जनता की सेवा, लोक कल्याणकारी कार्य करना आपके बस की बात नहीं है, कोई नियम लागू करना प्रजा पर आपके बस की बात नहीं है, आपके हाथ से अधिकार सारे छीन लिए गए हैं, ऐसे में अब क्या मजबूरी है जनता की कि आप सेवा नहीं कर पाएंगे, आप अपने पिता को अध्यक्ष पद वापस क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही है सत्ता को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने पिता को महत्व नहीं दे रहे हैं, और यह एक भारतीय युवक के लिए अच्छी बातें नहीं हो सकती। यह भारत के लिए एक उदाहरण बनेगा, और इसी तरह से अगर जो हर युवा करने लगे तो हर वो पिता पुत्र पर संदेह करने लगेगा कि कहीं हम अपने ही आस्तीन में सांप तो नहीं पाल रहे हैं। इसलिए जो आदमी जितना बड़ा होता है, जो आदमी जितने ही ऊंचे पदों पर होता है, उसको उतना ही संयमित और सरल व्यवहार करना चाहिए, उतने ही आदर्श स्थापित करने चाहिए। आपके पास आज सपा का जनमत है, सपा का बहुमत है, आपको अपने पिता को अध्यक्ष पद नहीं देंगे, आप चुन लिए जाएंगे। लेकिन यह भी सोचिए कि भगवान राम के पास भी बहुमत था, जनता उनके साथ वन तक जा रही थी, लेकिन उन्होंने जनता को समझाया था और अपने पिता का समर्थन करने के लिए कहा था। उस समय भी जनता विद्रोह कर देती राजा दशरथ का, पुरुषोत्तम राम को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ वो कहे जाते सिर्फ राजा राम, पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, भगवान राम नहीं बनते। अखिलेश यादव जी, 23 सितंबर को अधिवेशन है आपका, 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन, और इसमें जो आप बनने जा रहे हैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपको मुबारक हो, सपा को मुबारक हो, ऐसे पार्टी को नमस्कार।